गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आज हमारा लेक्चर है, वो लेक्चर हम शुरू करें उसके पहले हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जैसे आपको पता ही है तो हम लोगों का जो बच्चों आज की जो कविता है, असल में वो कवित्व है, कविता भी उसको बोलते हैं। तो वो कविता हम शुरू करें उसके पहले, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पीपीटी की मदद से शुरू करते हैं, तो वो पीपीटी हम पीपीटी की तरफ चले उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपनी किताब साथ में रखिए और जो आपको शंका हो संदेह हो वो आप कहीं नोटबुक में लिखते चलिए। जैसे ही हमारी कविता खत्म होगी तो आपको समय दिया जाएगा और आप पूछिएगा फिर आपकी शंका जो है, और उसके बाद स्टूडेंट हम लोग अपनी कविता की तरफ बढ़ते हैं। और मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, पीपीटी की तरफ चलते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टूडेंट आज की जो हमारी कविता है, यहाँ पे स्क्रीन पे तो आपको पता चल गया होगा कि हिंदी की कविता है, शौर्य करके उसका नाम है। शौर्य, शौर्य का मतलब होता है बहादुरी। तो हमारी आज की कविता जो है वो शौर्य कविता है। कविता में स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है कि अगर हम कवि को पढ़ लें, कवि के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, तो हमें पता चल जाता है कि कवि असल में कहना क्या चाहते हैं उस कविता के माध्यम से। और अगर हम कवि को जान जाएंगे तो कविता समझनी आसान हो जाती है, क्योंकि जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, उनको जो अनुभव होता है वो अपने अनुभव ही कविता या कहानी में अपने अनुभव ही साझा करते हैं। तो हम कवि को जान जाएंगे तो कविता समझनी आसान हो जाएगी। विद्यार्थियों, आपके सामने कवि का नाम है, कवि भूषण जी हैं। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा जान ले तो हम पता चल जाएगा कि आखिर में भूषण जी इस कविता के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं, वो हमें समझने में आसानी होगी। ये भूषण जी का चित्र है, फोटो है विद्यार्थियों। अब हम उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में, भूषण जी जो कवि हैं उनकी जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें और थोड़ी सी रचनाओं के बारे में, तो हमें पता चल जाता है स्टूडेंट की उनका कहने का क्या कहना चाहते हैं वो कविता के माध्यम से। कवि भूषण जी ये रीतिकालीन के भूषण रीतिकाल के प्रमुख वीर रस के कवि थे। विद्यार्थी, थोड़ी बहुत चीजें जो आपको समझाते हुए चलना चाहूंगा। रीतिकाल का अर्थ ये है स्टूडेंट की जो हमारे हिंदी साहित्य का जो इतिहास होता है, हिंदी का समय होता है, उसको चार भागों में बांटा गया है, जिसमें आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल है। तो ये जो तीसरा काल होता है ना विद्यार्थी हिंदी का, उसको रीति काल के नाम से जाना जाता है। और ये तो भूषण जी जो है वो रीति काल के कवि माने जाते हैं स्टूडेंट। इनका इनका जन्म जो भूषण जी का है, इनका जन्म जो है ईस्वी सन 1613 में हुआ था। वे मूलतः टिकवापुर गांव के निवासी थे, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला के घाटमपुर तहसील में पड़ता है स्टूडेंट। ये गांव जहाँ पे भूषण जी पैदा हुए थे वो कानपुर, वर्तमान समय में अगर हम देखने जाए तो वो कानपुर जो है वहां पर घाटमपुर तहसील है, वहां पर ये पड़ता है। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि कई बार कुछ लोग हमारी बेइज्जती करते हैं, तो उस बेइज्जती से भी हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक ऐसी घटना भूषण जी के साथ भी घटती है। जब वो छोटे रहते हैं तो इनकी एक भाभी होती है जो इनकी तारीफ मतलब इनके ऊपर व्यंग कसती है, इनकी बुराई करती है कि पड़े पड़े खाते ही रहते हो। और उस घटना से, उस अपमान से भूषण जी को इनके जीवन में परिवर्तन आता है और वो घर छोड़कर फिर निकल जाते हैं और कई राजाओं के आश्रय में इन्होंने अपना जो समय है वो व्यतीत किया स्टूडेंट। इनका जो भूषण जी का रियल जो वास्तविक नाम होता है उसके बारे में जो हमारी पुस्तकें हैं विद्यार्थियों, उसमें भूषण जी का जो वास्तविक नाम है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। सिर्फ वहां पर ये पता चलता है कि इनका वास्तविक नाम भूषण नहीं है, बल्कि इनको भूषण की जो है वो उपाधि दी गई है। उपाधि मतलब होता है स्टूडेंट एक उपनाम दिया गया है, और वो नाम भूषण जी को उपाधि चित्रकूट के राजा हृदय राम, जो ये चित्रकूट है यूपी में ही पड़ता है विद्यार्थियों,
वहां के एक राजा थे हृदयराम, उन्होंने भूषण जी को ये उपाधि दी थी जो उनका नाम प्रचलित हो गया। इनका भूषण जी का वास्तविक नाम क्या है ये किसी को भी नहीं पता। तो और फिर ये रीतिकाल के कवि थे भूषण जी। स्टूडेंट रीतिकाल क्या है मैंने आपको बता दिया कि हिंदी का जो समय है उसको तो चार हिस्सों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल में सब श्रृंगार की रचनाएं होती थी विद्यार्थियों। श्रृंगार का मतलब होता है कि जो रचनाओं में ये जो चरित्र होते हैं उनके नक्षिक वर्णन होता है, मतलब सर से लेकर पैर तक के वर्णन होते हैं। उस रचना के दौर में भूषण जी ने जो है वो वीरस की कविताएं लिखी है, जो वीरस की कविता का अर्थ है स्टूडेंट जिसमें वीरता की कहानियां, वीरता की गाथाएं कही गई हैं। इस तरह की रचना भूषण जी ने उस समय की जब रीति काल में श्रृंगार की रचनाएं होती थी उस तरह की। और ईस्वी सन 1715 में भूषण जी का देहांत हो जाता है स्टूडेंट, इनकी मृत्यु हो जाती है भूषण जी की। तो स्टूडेंट ये तो हो गई भूषण जी के जीवन परिचय। अगर हम उनकी रचनाओं के बारे में भी थोड़ा सा देख लें तो भूषण जी छह रचनाएं जो है उनकी मानी जाती हैं। जो इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उन्होंने भूषण जी की छह रचनाओं को माना है कि भूषण जी ने छह रचनाएं जो है वो रची है, जिसमें शिवराज भूषण, शिवा भावनी, छत्रसाल दशक और भूषण उल्लास, भूषण हजारा और फिर दूषणोल्लास, ऐसे छह रचनाएं जो है वो मानी गई है स्टूडेंट, जिसको रचनाकार कहते हैं कि ये भूषण जी द्वारा रचित है ये रचनाएं। इन रचनाओं में विद्यार्थियों ये जो छह रचनाएं है उसमें शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा भावनी ही उपलब्ध है। इसका अर्थ ये है विद्यार्थियों की जो भूषण जी ने रचनाएं की है वो रचनाओं में छह रचनाएं मानी गई है, लेकिन पढ़ने के लिए अगर देखा जाए तो वास्तविकता में सिर्फ तीन ही रचनाएं उनकी आज तक मिली हुई है और बाकी तीन रचनाएं कहाँ है ये किसी को नहीं पता। क्योंकि विद्यार्थी जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, कई कई बार उनकी रचनाएं जो वो लिखते हैं और बाद में वो मिलती नहीं, कहीं खो जाती है या नष्ट हो जाती है। इस तरह भूषण जी की छह रचनाएं जो है वो लिखी गई है ऐसा माना जाता है, जिसमें तीन जो है वो उपलब्ध है। ये हो गए भूषण जी के जीवन परिचय विद्यार्थियों और रचनाएं जिसमें कौन कौन सी रचनाएं की हैं। अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे विद्यार्थियों की भूषण जी ने ये जो रचनाएं की है उसमें उन्होंने लिखा क्या है, किस चीज के बारे में उन्होंने लिखा है, तो उसकी तरफ जाएंगे तो हमें पता चलता है कि भूषण जी की जो रचनाएं थी वो राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत थी। अभी राष्ट्रीय चेतना क्या होता है विद्यार्थियों, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं तो फिर जिस समय भूषण जी रचनाएं कर रहे थे उस समय हमारे यहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग शासकों का दौर था, जिसमें जो औरंगजेब था वो राजा थे और वो बहुत अत्याचारी राजा इतिहास में माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए। उन अत्याचारों से जो जनता होती है ना विद्यार्थी वो बहुत त्रस्त होती है, बहुत परेशान होती है। तो उन जो निरंकुश राजा होते हैं जो जनता का शोषण करते हैं उनके विरुद्ध जो लड़ाइयां लड़ते हैं, जो जनता के हित के लिए काम करते हैं, ऐसी रचनाओं को भूषण जी ने अपनी रचनाओं में शामिल किया है। इस तरह से भूषण जी ने राष्ट्रीय चेतना को, जो राष्ट्र की चेतना होती है उसको जगाने का प्रयास जो है अपनी रचनाओं में किया है। अगर हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों तो सामने देखिए आपके स्क्रीन पे है कि भूषण राष्ट्रीय भाव के गायक है, मतलब इन्होंने भूषण जी ने जो रचनाएं की है उसमें जो राष्ट्रीय भाव होते हैं, राष्ट्र के लिए क्या जरूरी है, कौन से भाव होने चाहिए, इस तरह की रचनाएं उन्होंने लिखी है। उनकी वाणी पीड़ित प्रजा के प्रति एक आश्वासन है। विद्यार्थियों मैंने आपको जैसा कि बताया कि अलग अलग राजाओं ने अलग अलग राज्यों में शासन किया, कुछ जनता के हित के लिए काम करते हैं, कुछ जनता के खिलाफ काम करते हैं। तो जो जनता के खिलाफ काम करते हैं जैसे औरंगजेब ने काम किया, वो जनता पीड़ित थी, उसके जो उसकी पीड़ा थी उसको अपनी रचनाओं के माध्यम से आश्वस्त करते हैं, आश्वासन देते हैं भूषण जी। इनका समय औरंगजेब का शासन था, मतलब जब औरंगजेब शासन कर रहे थे उस समय के ये कवि थे भूषण जी। औरंगजेब के समय से मुगल वैभव व सत्ता की पकड़ कमजोर होती जा रही थी। हमें पता है स्टूडेंट के शाहजहां और उसके पहले के भी बहुत सारे शासक थे जिन्होंने अच्छे से शासन किया, लेकिन जैसे ही
औरंगजेब का समय आता है, वो कैसे जो मुगलों का वैभव रहता है स्टूडेंट, वैभव का मतलब है जो उन्होंने उन्नति की थी वो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और सत्ता की पकड़ जो है वो कमजोर होती जाती है। मतलब जहाँ पे औरंगजेब से पहले जो मुगल शासक थे वो जनता को, जनता के साथ जुड़ाव महसूस करते थे, लेकिन जब औरंगजेब आते हैं तो उनका जनता से जुड़ाव कम हो जाता है क्योंकि वो जनता के खिलाफ काम करते हैं। औरंगजेब की कटुरता व हिंदुओं के प्रति नफरत ने उसे जनता से दूर कर दिया था। स्टूडेंट, ये जो औरंगजेब थे वो बहुत ही क्रूर शासक थे। वो इस तरह के शासन करते थे कि जो हिंदू जनता थी उनके ऊपर टैक्स वैक्स लगाते थे। इस तरह से जो हिंदू जनता थी वो उनसे जो है वो दूर होती गई। ऐसा समय आते गया विद्यार्थियों की जो हिंदू जनता थी वो उनसे, औरंगजेब से दूर होते गए। संकट की इस घड़ी में भूषण ने दो राष्ट्रीय पुरुषों शिवाजी और छत्रसाल के माध्यम से पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना संचारित करने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, जिस समय इस तरह जनता को परेशान किया जाता था उस समय भूषण जी ने दो महापुरुषों को अपनी रचनाओं के माध्यम से इनको व्यक्त किया है। मतलब जो समय चल रहा था जहाँ औरंगजेब क्रूरतापूर्वक शासन कर रहा था उस समय भूषण जी दो राजाओं के बारे में रचनाएं लिखते हैं जिसमें एक शिवाजी है और दूसरे है छत्रसाल। शिवाजी का शासन हमें पता है कि महाराष्ट्र और इन सब जगहों पे था और छत्रसाल जो है वो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में है। ये बुंदेलखंड विद्यार्थियों वहां पे ये छत्रसाल शासन करते हैं। जो हालत शिवाजी की थी, जिस तरह वो औरंगजेब का विरोध करते थे महाराष्ट्र में, ठीक उसी तरह का विरोध जो है वो छत्रसाल जो है वो औरंगजेब का भी करते थे, कहाँ पे, बुंदेलखंड में। इस तरह के ये दो महापुरुष है जिसको भूषण जी ने अपनी रचनाओं में स्थान दिया और इन दोनों के माध्यम से राष्ट्र की जो भावना होती है, राष्ट्रीय भावना, उसको संचारित करने का प्रयास किया था भूषण जी ने। भूषण ने तत्कालीन जनता की वाणी को अपनी कविताओं का आधार बनाया। इसका अर्थ ये स्टूडेंट की जो जनता तकलीफ थी, जो जनता को परेशानी थी, दुख था, उस दुख को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। मतलब लोगों को जो तकलीफें थी उसके बारे में अपनी रचनाओं में वर्णन करते हैं। इन्होंने अंतिम मुद्दा देखेंगे विद्यार्थियों तो आपको पता चलेगा कि भूषण जी ने स्वदेशानुराग, मतलब स्वदेशानुराग का अर्थ होता है, अनुराग का मतलब होता है प्रेम। तो इन्होंने स्वदेश, अपना देश, अपने देश के प्रति जो प्रेम होता है, संस्कृति अनुराग, हमारी जो संस्कृति होती है उसका हमारे मन में अनुराग होता है, प्रेम होता है विद्यार्थियों, उसके बारे में उन्होंने लिखा। उसके बाद साहित्य अनुराग, जो हमारा साहित्य होता है, साहित्य का मतलब होता है जो दूसरों की भलाई के लिए लिखा गया है, साहित्य से अनुराग जो हमारा। और फिर महापुरुषों के प्रति अनुराग, जो महापुरुष होते हैं जिन्होंने समाज के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं उनके प्रति हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, उत्साह, इस तरह की रचनाएं इन्होंने की है भूषण जी ने। मतलब जो रचनाएं की उसमें इन इन भावों को जो है, इन इन भावनाओं को अपनी रचनाओं में शामिल किया है विद्यार्थियों। ये भूषण जी की राष्ट्रीय चेतना है जिन्होंने अपनी रचनाओं में इस तरह के भावों को व्यक्त किया है। हमें हमारे देश से प्रेम होना चाहिए, संस्कृति से प्रेम होना चाहिए, हमारा जो साहित्य है हमें उससे लगाव होना चाहिए, इस तरह के विचार जो है इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। अगर हम आगे बढ़े विद्यार्थियों और कविता जो है, ये कविता जो हम पढ़ने वाले हैं शौर्य की, किससे संबंधित है, इसमें क्या बताया गया है, अगर हमारे मन में ये सवाल आता है कि इस कविता में कहना क्या चाहते हैं, भूषण जी ने किसके बारे में बताया है, तो वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं विद्यार्थियों। छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे ये हमें पता है क्योंकि हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें हमें बहुत पहले से शिवाजी महाराज और उनके जो कार्य है वो हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है विद्यार्थियों। शिवाजी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी है आपको, मुझे पता है आपको जानकारी है, फिर भी एक छोटे से चीजें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया है उन्होंने। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 ईस्वी भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। हमें ये पता है स्टूडेंट की महाराष्ट्र में जो मराठा साम्राज्य बना उसकी नींव जो है वो शिवाजी महाराज रखते हैं। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया,
मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया विद्यार्थियों कि शिवाजी के समय ही औरंगजेब था, औरंगजेब थे वो कैसे क्रूर शासक थे, जनता के ऊपर अत्याचार करते थे, उन अत्याचारों से जनता को बचाने के लिए शिवाजी महाराज ने कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें औरंगजेब और शिवाजी की लड़ाइयां हुई हैं बहुत सारी। औरंगजेब मुगल संघ सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। विद्यार्थियों हमें पता है कि शिवाजी महाराज के कई सारे किले थे, उसमें रायगढ़ एक किला है जिसमें उनका राज्याभिषेक होता है और फिर वो छत्रपति महाराज बन जाते हैं, मतलब जिनका एक छत्र शासन होता है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। इसका अर्थ ये विद्यार्थियों की शिवाजी की जो सेना थी वो कैसी थी, अनुशासन में रहने वाली थी, जो नियम कानूनों का पालन करती थी और सुसंगठित प्रशासनिक इकाई। इसका अर्थ है कि जो प्रशासन, जो सरकार, जो शासन करने का तरीका होता था वो कैसे था, सुसंगठित, पहले से तय नियम कानून के अनुसार चलता था, जिसकी सहायता से शिवाजी महाराज ने एक योग्य मतलब उचित, सही एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। मतलब एक ऐसी सरकार, एक ऐसा शासन प्रदान किया जो लगातार निरंतर प्रगति करता हो, इस तरह की चीजें उन्होंने दी। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए, मतलब नई नई चीजें शिवाजी ने आविष्कार की, जिसमें एक छापा मार युद्ध पद्धति होता है जिसमें छिपकर वार किया जाता है और अपने शत्रु के ऊपर छिपकर वार किया जाता है, गोरिल्ला वार पद्धति उसको बोलते हैं। इस तरह की नई पद्धति उन्होंने शुरू की शिवाजी महाराज ने। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया। शिवाजी महाराज ने क्या किया विद्यार्थियों, अंत में आप देखेंगे तो जो प्राचीन का अर्थ था पुराना, तो जो पुरानी हिंदू राजनीतिक प्रथाएं थी, मतलब जो हमारी पुरानी प्रथाएं चली आ रही थी, तथा दरबारी शिष्टाचार, दरबारी शिष्टाचार का मतलब होता है कि जो दरबार होता है उसमें भी कुछ नियम कानून का पालन होना चाहिए, ऐसे मन मौजी तरीके से नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो शिष्टाचार नियम थे वो उन्होंने पुनर्जीवित किया, अर्थात फिर से जीवित किया, उसको अपनाया और फारसी के स्थान पर मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। जहाँ पे पहले फारसी भाषा थी जिसमें कामकाज होते थे, जब शिवाजी महाराज बने, शासक बने, छत्रपति बने, तो उन्होंने फारसी की जगह पे मराठी और संस्कृत, इन दो भाषाओं में राजकाज का अर्थ होता है स्टूडेंट जिस भाषा में राज के काम हो, तो उस भाषा को बनाया। इस तरह से शिवाजी महाराज, ये जो कविता हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी, इसमें शिवाजी महाराज के बारे में बताया है, शिवाजी कौन थे, इसमें थोड़ी सी जानकारी आपको पहले से थी, थोड़ी सी मैंने दे दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अपनी कविता की तरफ, जो है वो पद की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले आपको थोड़ी सी चीज बता दूं कि ये जो कविता है यहाँ पे चार कवित्व दिए गए हैं, चार कवित्व मतलब चार छोटे छोटे पद है। ये कवित्व क्या होते हैं स्टूडेंट, जैसे दोहा छंद होता है ना, छंद क्या होता है, दोहा सोठा गीतिका हरिगीतिका, ऐसे ये सब छंद होते हैं, तो ऐसे उसमें कवित्व भी आता है, बेसिकली वो छंद का ही एक प्रकार होता है। तो इस कविता में हमें चार कवित्व पढ़ने को मिलेंगे, जो कवित्व शिवाजी महाराज और उनकी वीरता से संबंधित है स्टूडेंट। उसमें पहली जो कवि जो पहला कवित्व है उसको हम लोग पढ़ते हैं और फिर उसमें हम लोग देखते हैं कि भूषण जी क्या कहना चाहते हैं। तो हमारा पहला जो कवित्व है विद्यार्थी वो है, छूटत कमान और तीर गोली बानन के, मुश्किल होती मुरचान की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधी परा हल्ला वीर भट जोट में, भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहाँ, कीमती यहाँ लगी है जाकी भट झोट में, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे, पाव दे दे अरिमुख घाव दे दे, कूदी परे कोट में। तो विद्यार्थी ये जो पहला कवित्व है इसमें जो शिवाजी की सेना का और औरंगजेब की सेना में युद्ध होता है वो युद्ध का वर्णन है इस पहले पद में, कवित्व में, और वहां पे शिवाजी की वीरता के बारे में बताया है कि शिवाजी इतने वीर थे कि जब लड़ाई होती है औरंगजेब और शिवाजी की सेना में तो वहां पर क्या हालत है, उस हालत को इस पहले पद में बताया है।
पहले पद में आपको जो शब्दार्थ है आपके सामने है यहाँ पे विद्यार्थियों, ताकि जब आप कविता पढ़े तो आपको शब्दों की वजह से अर्थ समझने में समस्या ना हो, उसके लिए ये शब्दार्थ। अब अगली स्लाइड में आप पहले जो कविता है उसका अर्थ देखेंगे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे पहली कविता में जो कविता है उसमें भूषण जी क्या कह रहे हैं कि जब मुसलमान युद्ध, हमें पता है कौन सा दृश्य है, मुगलों की और मराठों की सेना, औरंगजेब की सेना और शिवाजी की सेना युद्ध भूमि में आमने सामने है, और ये युद्ध भूमि में शत्रु सेना मतलब औरंगजेब की जो सेना है उसके ऊपर शिवाजी का ऐसा आतंक है विद्यार्थियों कि पूछो मत। ऐसा आतंक छाया है शिवाजी का कि जब मुगलों मुसलमानों के बाण और गोलियों की वर्षा से मोर्चों की आड़ में भी बचना कठिन हो रहा था, मतलब दोनों तरफ से जो अस्त्र शस्त्र है उनकी लड़ाइयां हो रही है और वहां पे ओट लिए हुए मतलब आड़ करके भी जो सैनिक है वो आड़ किए हुए है, फिर भी लड़ाई लड़ना जो है वो मुश्किल हो रहा है। उस समय महाराज शिवाजी ने ललकार का हमला कर दिया, जहाँ पे युद्ध में दोनों सेना आमने सामने है लड़ रही है और वहां पे ओट लेकर आड़ लेकर भी लड़ना मुश्किल है, ऐसे समय में शिवाजी ने जो है विद्यार्थियों ललकार का हमला कर दिया और शूरवीरों के बीच में घोर हाहाकार मच गया। जो दोनों तरफ के बहादुर सेना थे उनके बीच में जोर जोर की आवाजें हाहाकार मच गया। हे वीर शिवाजी, आपके साहस का वर्णन कहाँ तक कि वीरों के समूह में आपका यश इतना फैला हुआ है कि आपको देखते ही निस्सहाय मरहट लोग बड़ी ही उमंग से मूछ मरोड़ते हुए कांगूरों पर चढ़कर शत्रुओं पर प्रहार करने लगते हैं। यहाँ पे भूषण जी की देखो शौर्य मतलब वीरता की कितना क्या कहते हैं विद्यार्थियों की कितना वीरता का वर्णन किया शिवाजी की कि जैसे शिवाजी ने ललकार कर युद्ध में जाते हैं तो शिवाजी की वीरता से इधर वो जो मुसलमानों के सैनिक है वो इतने डरे हुए हैं स्टूडेंट की पूछो मत, और वहां पे शिवाजी के वीर जो है जो एकदम निस्सहाय है एकदम थके हुए हैं हारे हुए, जैसे शिवाजी हमला करने के लिए कहते हैं जो एकदम निस्सहाय हो चुके हैं वो भी क्या करते हैं शिवाजी के सैनिक अपने मूछों पर ताव देते हैं, और अपने मूछों पर ताव देकर वो जो शत्रु की सेना है उस सेना के ऊपर प्रहार करने लगते हैं और उनके किले में जो शत्रु का किला है जिसमें शत्रु खड़ा है उसमें शिवाजी के सैनिक कूद पड़ते हैं और इस तरह से मुगलों के और मराठों के बीच में जो है वो युद्ध होने लगता है। तो इस तरह पहले कविता में विद्यार्थियों शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है, किस तरह शिवाजी की वीरता से मुगलों के सैनिक जो है वो डरे हुए हैं। दूसरे कविता की तरफ जाएंगे विद्यार्थियों, तो भूषण जी कहते हैं कि साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहत नगारन के नदी नद मद गैबरन के रतल है, एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठेल पेल सैल उसलत है, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमे थारा पर पारा पारा वार यो हलत है। तो जो अगला कविता है विद्यार्थियों उसमें जो भूषण जी है वो शिवाजी की जब सेना चलती है तो उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए भूषण जी कहते हैं, ये आपके लिए ये था शब्दार्थ था, जब आप पढ़ेंगे तो इसका इस्तेमाल करिएगा। जो अगला पद है विद्यार्थी उसमें भूषण जी कहते हैं कि जब शिवाजी की सेना चल रही है और सेना कैसी है, चतुरंगी सेना है, चतुरंगिनी, जिसमें चतुरंगिनी सेना का अर्थ होता है विद्यार्थियों जिसमें हाथी घोड़े और इस तरह के हाथी घोड़े और रथ और पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं उसको चतुरंगिनी सेना कहते हैं। तो भूषण जी शिवाजी की सेना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपनी चतुरंगिनी सेना को वीर रस में सजाकर अर्थात उत्साह से परिपूर्ण कर शिवाजी महाराज युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े, मतलब शिवाजी की सेना उत्साहित तो होकर युद्ध करने निकल पड़ी है। भूषण कवि कहते हैं कि सेना के आगे आगे विशाल नगाड़े बज रहे हैं, मतलब जो सेना चल रही है उसके सामने उसके आगे जोर जोर के नगाड़े बज रहे हैं, और युवा मतवाले हाथियों के कान से बनने वाले मद का परिणाम इतना अधिक है कि रास्ते के तमाम नदी नाले मद से भर गए। विद्यार्थी ये मद क्या होता है, जो हाथी अपनी युवा अवस्था में होता है तो उसके कान में एक द्रव्य बनता है उसको मद बोलते हैं,
तो जब शिवाजी की सेना चल रही है और वो नगाड़े बज रहे हैं, उस नगाड़े की आवाज से जो हाथियों को युवा हाथी चल रहे हैं शिवाजी की सेना में, उनके कान में इतना मद बन रहा है, इतना मद बन रहा है कि वो मद जो है वो ये जो रास्ते में नदी नाले हैं वो उस मद से भर गए हैं, इतना मद उन हाथियों से निकल रहा है। हाथियों की काया इतनी विशाल है और उनकी संख्या भी इतनी अधिक है कि रास्ते सकरे से लगने लगते हैं। भूषण जी की देखिए विद्यार्थियों, शिवाजी की वीरता की, उनकी सेना की वीरता के वर्णन करते हुए भूषण जी कहते हैं कि वो हाथी इतने बड़े बड़े हैं, इतने विशाल हैं और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, इतनी कि जब वो हाथी चलते हैं विद्यार्थियों तो ये जो रास्ते होते हैं वो सकरे लगने लगते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे रास्ते लगने लगते हैं। मतवाले हाथियों के चलने से और उनका धक्का लगने से रास्ते की दोनों ओर जो पहाड़ खड़े हैं वे उखड़ कर गिर रहे हैं, मतलब वो हाथी जो चल रहे हैं शिवाजी की सेना में वो इतने मस्त होकर चल रहे हैं, इतनी वीरता के साथ उनमें जोश है कि जो रास्ते में पर्वत पहाड़ पड़ रहे हैं वो भी कैसे उखड़ कर गिर जा रहे हैं उन हाथियों के वजन से। शिवाजी महाराज की विशाल सेना के चलने से इतनी धूल उड़ रही है कि आकाश पर पर्द ही छा गई है, मतलब वो जो हाथी घोड़े पैदल वाले सेना रथ ये लोग चल रहे ना कि इनके पैरों से जो धूल उड़ रही है ना स्टूडेंट वो आकाश में छा गई है, जैसे परत होती है किसी चीज की वैसे हो गई है। इस कारण से आसमान पर दमकता हुआ सूरज भी एक तारे की तरह लग रहा है, मतलब भूषण जी कह रहे कि शिवाजी इतने बहादुर है, उनकी सेना इतनी बहादुर है कि उनके चलने से जो धूल उड़ रही है उससे जो सूरज है वो सूरज एक छोटा सा तारे जैसे नजर आ रहा है। सेना के बोझ के कारण पूरा संसार ऐसे डोल रहा है जैसे किसी विशाल थाली में रखा हुआ पारद पदार्थ इधर से उधर डोल रहा है। तो शिवाजी की जो सेना चल रही है स्टूडेंट वो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी थाली में कोई पारा रख दो और वो हिलते डुलते रहता है, वैसे ही धरती जो है वो शिवाजी की सेना की वजह से इस तरह के हिल रही है, इस तरह भूषण जी वर्णन करते हैं स्टूडेंट। तीसरे पद की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, जो तीसरा कविता है इसमें शिवाजी के जो वीरता उसके वर्णन में भूषण जी क्या कह रहे हैं स्टूडेंट की, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिरताज होत, दावा पुरोहित को पहाड़न के कूल पर, दावा सबे पश्चिम के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नौखंड महिमंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पच्छा देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को। तो अगला जो कविता है स्टूडेंट, अगली जो कविता है उसमें भूषण जी क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, जो तीसरा कविता उसमें भूषण जी ने ये कहा है कि जहां जहां भी मुगलों की शासन है, मुगलों का शासन है, वहां वहां शिवाजी अपना दावा पेश करते हैं। और ये आपके लिए फिर से शब्दार्थ विद्यार्थी तीसरे कविता का, तो तीसरे कविता में भूषण जी क्या कह रहे हैं विद्यार्थियों शिवाजी के बारे में कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार नाग के समूह पर गरुड़ का अधिकार होता है, जो गरुड़ पक्षी होता है ना स्टूडेंट वो जिस तरह से नागों के ऊपर अपना अधिकार समझता है, हाथियों के समूह पर महाबली सिंह का अधिकार होता है, जो जंगल का राजा सिंह होता है वो अपना अधिकार जमाता है सभी जानवरों पे चाहे वो हाथी ही क्यों ना हो, तो जिस तरह नागों के समूह पर गरुड़ का अधिकार होता है, गरुड़ अपना नागों के ऊपर अधिकार समझते हैं, हाथियों के समूह पर महाबली सिंह अपना अधिकार समझता है, जिस प्रकार ये जो पहाड़ों की कुल होते हैं, कुल का अर्थ होता है संपूर्ण पहाड़, तो जिस तरह से संपूर्ण पहाड़ों पर इंद्र का अधिकार होता है, मतलब भगवान इंद्र सभी पहाड़ों पर अपना अधिकार समझते हैं विद्यार्थियों, और जिस तरह से सभी ये जो बाज पक्षी होता है स्टूडेंट वो सभी पक्षियों के ऊपर अपना दावा करता है, मतलब सभी पक्षियों के ऊपर उसका अधिकार है, ऐसे दावा जो करता है दावा सब पक्षी में, भूषण अखंड नौखंड। आगे कवि क्या कह रहे हैं भूषण जी की, जिस प्रकार सूर्य की किरण अपना अधिकार करके अंधकार को नष्ट करता है, भूषण जी कहते हैं कि पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जहां जहां भी बादशाही है, बादशाही का अर्थ है बादशाह का शासन, तो भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी कहते हैं कि ये जो जहां जहां भी मुगलों का शासन है वहां वहां शिवाजी अपना अधिकार करते हैं, अधिकार
का दावा करते हैं कि जहां भी बादशाही है, बादशाह का शासन होगा, वहां पे शिवाजी का शासन होगा। इस तरह इस पद में, इस कवित्व में भूषण जी शिवाजी के विचार जो है वो अधिकार किस तरह का है ये व्यक्त करते हैं स्टूडेंट। अब हम अपने चौथे पद की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। तो चौथे पद में क्या बताया है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती है, भूषण शिथिल अंग भूषण और शिथिल अंग बीजन दुलाती ते वे बीजन दुलाती है, भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती है। ये जो चौथा कवित्व है विद्यार्थियों, इसमें भूषण जी ये जो मुगलों की बेगम हुआ करती थी, उन बेगमों की जो हालत है शिवाजी के डर के मारे, उस हालत का वर्णन करते हुए भूषण जी ने इस चौथे कवित्व में किया है कि शिवाजी के आतंक, शिवाजी का डर इस तरह है कि जो मुगल की बेगमें हुआ करती थी, मुगल बादशाह की, उनकी हालत क्या है, ये इस चौथे कवित्व में जो है वो भूषण जी ने बताया है। वापस फिर से आपके लिए शब्दार्थ विद्यार्थियों, और जो अंतिम पद है कवित्व है उसमें भूषण जी क्या कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली स्त्रियां, मतलब ये जो बादशाह है, मुगल बादशाह होते थे, उनकी जो बेगमें होती थी वो महलों के अंदर रहती थी, ऊंचे ऊंचे महलों में, ऊंचे घोर मंदिर गुफा में रहने को विवश है। लेकिन आज शिवाजी के डर के मारे वो जो ये मुगलों की बेगमें हुआ करती, जो जो पहले ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, अब ऊंचे ऊंचे गुफाओं में रहने के लिए मजबूर है, विवश है। कंदमूल राजघराने में खाने के प्रयोग में लाए जाने वाले जायकेदार कंदमूल वगैरह जो ये लोग पकवान खाते थे मुगल बेगमें विद्यार्थियों, अब वो क्या कर रही है, कंदमूल जो जंगली कंदमूल होता है, जो जंगलों में ये होता है, पैदा होता है, वो खाने को विवश है, मतलब जो पकवान खाती थी अब उनकी शिवाजी के डर के मारे ये हालत हो गई है कि वो जो पकवान होते थे वो छोड़कर जंगली जो कंदमूल होते हैं फल, वो खाने के लिए मजबूर है। और जो तीन बेर दिन में तीन बार खाती थी, खाना खाती थी, वे केवल तीन बोर खाकर अपने जो है दिन जो है वो काट रही है। इस अगला क्या पद में भूषण जी कहते हैं कि ये जो मुगल बेगमें हुआ करती थी, जो बादशाह की बेगम होती थी स्टूडेंट, वो तीन बार खाना खाती थी, लेकिन शिवाजी के डर के मारे जब वो जंगलों में गुफाओं में रहने लगी, तो जहाँ पे वो तीन टाइम खाती थी, यहाँ केवल गिनती के तीन बेर खाकर अपने समय जो है वो व्यतीत कर रही है। आगे क्या कह रहे हैं भूषण जी, जिनके भूषण शिथिल अंग से शिथिल अंग थे, मतलब ये जो बेगमें हुआ करती थी विद्यार्थी, इनके शरीर पे इतने गहने होते थे कि उन गहनों के वजन से इनकी जो अंग होते थे वो एकदम थक जाते थे, एकदम शीतल पड़ जाते थे। वो यहाँ पे कैसे हो गए हैं स्टूडेंट, शिवाजी के डर के मारे, भूख के मारे, इस तरह के उनके अंग जो है वो यहाँ पर शिथिल हो गए हैं। जिन पर विजन पंखा डुलाया जाता था, वे आज विजन निर्जन स्थान पर डोलने को विवश है। अगला जो पद है उसमें, अगली जो पंक्ति है उसमें भूषण जी कहते हैं स्टूडेंट की जब भी महलों में रहती थी मुगल बेगमें, तो उनके ऊपर पंखा हिलाया जाता था, लेकिन आज उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो निर्जन वन में जहाँ पे कोई नहीं रहता, वहां पे ये लोग क्या कर रही है स्टूडेंट, वहां पर ये लोग भटक रही है निर्जन वन में, इस तरह के जहाँ पे ये लोग गहने से लदी रहती थी, वहां पे सर्दी के मौसम में भी इनके पास ढकने के लिए कुछ नहीं बचा। इस तरह से चौथे जो कवित्व है उसमें ये जो मुगल बेगमें है शिवाजी के डर की वजह से उनकी क्या स्थिति है, ये इस चौथे पद में बताया है। तो इस तरह से विद्यार्थी ये हमारी कवित्व जो है शौर्य, ये कविता समाप्त होती है, जिसमें कवि भूषण जी शिवाजी महाराज और उनकी बहादुरी, उनके सेना की बहादुरी और उनके डर से शिवाजी का अधिकार किस तरह से है, और चौथे कवित्व में जो मुगल बेगमें हैं उनकी उनकी स्थिति भी क्या है, ये इस चौथे कवित्व में बताया है। मतलब इस तरह से जो पूरी कविता है शौर्य, उसमें पूरे शिवाजी, उनकी सेना, शिवाजी के विचार
और फिर शिवाजी के डर से मुगल बेगमों की क्या हालत है, ये चार चीजें यहाँ पर बताई है स्टूडेंट। और इस तरह से हमारी कविता जो है वो विद्यार्थियों समाप्त होती है। अगर अब आपको कविता से संबंधित कुछ शंका है, कुछ डाउट है, तो अब आप पूछिए। हाँ चल पूछिए, क्या है आपको शंका? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए बच्चे। सर पहला पद का शब्द दिखाइए ना। अच्छा पहले पहले वाले का एक। यस सर। मैंने तो स्क्रीन बंद कर दिया, फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो पहले पद का चाहिए सिर्फ आपको? यस सर। एक मिनट। ये आपको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी को, और किसी को शंका है तो आप पूछिए। स्टूडेंट अब आपका टाइम है, अगर आपको कुछ शंका है तो आप पूछिए। सर। हाँ बोलिए सर, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा आपको भी ठीक है, मैं चालू करके रख देता हूँ अभी। कौन से पद का, कौन से कविता का चाहिए आपको? हेलो। हेलो। हाँ सर सबका चाहिए था। शब्दार्थ चाहिए आपको? नहीं सर सबका। सारे पद का शब्दार्थ चाहिए? हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर। मैं ना आपको क्या करता हूँ, मैं आपके जो सरस्वती बात से हो ना आप? हाँ सर। तो ना मैं उपाध्याय सर को भेज देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि अगर वो आपका ग्रुप है क्या तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। और किसी बच्चे को कुछ शंका है तो आप पूछिए, बिना डरे हुए जो भी आपकी शंका है पूछिए। स्टूडेंट अगर आपको पूछना है कुछ तो पूछिए। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। मुझे ना भावार्थ का ये स्क्रीनशॉट लेने का था। कौन से पद का? भावार्थ। कौन से, चार पद है ना बच्चा, तो फिर कौन से पद का चाहिए आपको? तो मैं दूसरे पद का सर। दूसरे पद का चाहिए? हाँ सर। ले लीजिए। हाँ सर हो गया, थैंक यू सर। और किसी को? बच्चों समय जो है वो निकल रहा है, अगर आपको कुछ पूछना है तो फिर आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं ना ये क्या कहते हैं इसको समाप्त करता हूँ। और कोई है जिसको पूछना है? तो स्टूडेंट पांच मिनट बचा है, पांच मिनट में मैं ना एक बार सारी चीजें वापस से खत्म कर देता हूँ, तो फिर आपको कुछ डाउट रहेगा तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थियों हमने जो कविता देखी वो कविता है, एक्चुअली वास्तव में ये कविता का ही रूप है, लेकिन इसको छंद के, छंद है ये छंद के रूप में। तो हम लोगों ने जो देखा वो शौर्य नामक कविता है, शौर्य का मतलब होता है सलमान। सलमान पूछिए, क्या पूछना है आपको?
सलमान ठीक है, शायद सलमान से संपर्क नहीं हो रहा है। तो विद्यार्थी हमने आज क्या देखा, शौर्य नामक कविता देखा और इसके जो रचनाकार अरीबा, पूछिए आपको क्या पूछना है, मतलब मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूँ ना आप लोगों का। पूछिए पूछिए जल्दी पूछिए। हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही यार, थोड़ा जोर से बोलिए ना। हेलो यश गुप्ता बोलिए बच्चा, आपको क्या शंका है जल्दी पूछिए। यश शायद आवाज नहीं आ रही, ठीक है। तो विद्यार्थियों अब थोड़ा सा समय बचा है तो मैं आपको एक 3 मिनट में मैं आपको बता दूं, हमने शौर्य पढ़ा जिसमें हम लोगों ने भूषण जी जो महाकवि भूषण है उनकी रचना है ये, इसमें शिवाजी की वीरता के बारे में वर्णन किया है और शिवाजी की वीरता ये जो है चार कवित्व कह लीजिए इसको, चार कवित्व के माध्यम से शिवाजी महाराज ने शिवाजी और उनकी शिवाजी की वीरता, उनकी सेना की स्थिति और फिर शिवाजी की सोच कैसे, जैसे हर एक चीज का किसी न किसी के ऊपर अधिकार होता है वैसे ही शिवाजी का अधिकार जो है, और फिर चौथे जो कवित्व है उसमें शिवाजी की वीरता के आगे जो मुगलों की जो बेगमें हैं पत्नियां हैं उनकी क्या स्थिति है, ये चारों चीजों को चार अलग अलग कवित्व के माध्यम से भूषण जी ने व्यक्त किया है। इसमें हम लोगों ने ये देखा इस तरह से भूषण जी शिवाजी की वीरता के बारे में वर्णन करते हैं। हमें पता है कि भूषण जी एक मतलब दो ऐसे ये हैं राजा हैं जो वीर हैं जिनके बारे में भूषण जी ने लिखा है ज्यादा करके, एक तो छत्रसाल हैं दूसरे शिवाजी, क्योंकि भूषण जी मैंने आपको बताया कि दरबारी कवि हुआ करते थे पुराने जमाने में, जो राजा होते थे उनके दरबार में ये कवि होते थे, राजा के साथ ये रहते थे तो राजा की लड़ाइयाँ उनकी वीरता और ये सब देखते थे और फिर उसको अपने शब्दों में व्यक्त करते थे। तो भूषण जी ने शिवाजी के साथ भी समय व्यतीत किया था और छत्रसाल जो राजा थे बुंदेलखंड के उनके साथ भी समय व्यतीत किया था और दोनों की वीरता को उन्होंने सामने से देखा था और फिर इन दोनों राजाओं के वीरता को उन्होंने अपने रचनाओं में व्यक्त किया है। स्टूडेंट ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी और फिर किस तरह से शिवाजी की वीरता का शत्रु सेना पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोगों ने देखा। शिवाजी जैसे युद्ध में शामिल होते हैं तो जो थके हुए रहते हैं हारे हुए उनमें भी जोश आ जाता है और वो शत्रु पर प्रहार करने लगते हैं, और दूसरे में हम लोगों ने देखा कि शिवाजी की सेना किस तरह चल रही है, उस सेना के चलने से धरती पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये देखा, और तीसरे में शिवाजी के जो अधिकार है जैसे हर एक चीज का किसी न किसी के ऊपर अधिकार होता है वैसे शिवाजी जहां भी बादशाही है मुगलों का शासन है वहां पे शिवाजी अपना शासन ऐसा व्यक्त करते हैं ऐसा कहते हैं, और अंतिम जो पद है उसमें मुगलों की जो बेगम है उनकी क्या स्थिति है, किस तरह से वो खाती है किस तरह से रहती थी पहले और आज शिवाजी की वजह से उसमें क्या बदलाव आया है ये व्यक्त किया है। इस तरह से हमारी ये कविता जो है वो समाप्त होती है। रुकते हैं विद्यार्थी यहाँ पे, ये मैं पीपीटी कोशिश करूंगा आपको मिल जाए ताकि अगर आप चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं। धीरे सर